यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आतंकी जाकिर मूसा और उसके साथियों के किसी बड़े वारदात को संभावना को देखते हुए हाई अलर्ट पर अमृतसर के एक गांव में धमाका हुआ है। धमाके में 3 की मौत हो गई जबकि 10 घायल हो गए हैं। इस धमाके के बाद देश की राजधानी दिल्ली और नोएडा में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बता दें कि सुरक्षा एजेंसी इन आतंकियों के दिल्ली की ओर बढ़ने की आशंका जता चुकी है। चश्मदीदों के अनुसार बाइक सवार दो लड़कों ने अमृतसर के राजा सांसी गांव में निरंकारी भवन पर बम फेंका है। राजा सांसी गांव सीमा से सटे गांव है। इस धमाके के बाद राजधानी दिल्ली और नोएडा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईजी सुरेंद्र पाल सिंह परमार ने कहा कि अमृतसर के राजा सांसी गांव के निरंकारी भवन में 3 लोग मारे गए जबकि 10 लोग घायल हो गए। 1-2 लोगों की स्थिति गंभीर है। परमार ने निरंकारी भवन पर ग्रेनेड से हमला करने की आशंका जताई है। अभी इस मामले के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है लेकिन पिछले दिनों सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब में आतंकी हमले की घटना को लेकर अलर्ट जारी किया था जिस पर राज्य हाई अलर्ट पर था। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार सुबह दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ शोपियां के जैनापुरा के रेबेन इलाके में हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की गुप्त सूचना मिली है। इसके बाद आतंकियों के पकड़ने के लिए सेना SOG और CRPF की संयुक्त टीम ने जाल बिछाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में चुनावी रैली को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा वार किया। मोदी ने नौजवानों को संबोधित किया और कहा कि जो लोग पहली बार वोट देने जा रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके चाचा चाची माता पिता को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था क्या आप चाहेंगे कि आपको भी वैसी ही मुश्किलें झेलनी पड़े। पीएम ने कहा कि वो कौन लोग राज करते थे जब आपके पिता अपने सपने पूरे नहीं कर पाए कि आप फिर से ऐसे लोगों को सत्ता देना चाहेंगे। मोदी ने कहा कि ऐसी गलती करने का हमें हक नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ 18 साल का हो गया। जब बच्चा 18 साल का होता था उसके सपने जाग जाते हैं। 18 साल की उम्र का छत्तीसगढ़ तेज गति से दौड़ना चाहेगा, नए सपनों के साथ आगे बढ़ना चाहेगा। 18 से 23 तक की उम्र ऐसी होती है कि बच्चा अपना करियर बनाता है। इसी तरह अगले 5 साल तक छत्तीसगढ़ को संभाल रखें। पीएम ने लोगों से सीएम रमन सिंह का हाथ मजबूत करने की अपील की। पीएम मोदी ने मालदीव के साथ रिश्तों को और मजबूती देने के लिए एक बार फिर पहल की। उन्होंने आर्थिक तंगी से जूझ रहे मालदीव को आश्वासन दिया है कि वो इन्हें स्थिति से निकालने में उनकी हर संभव मदद करेंगे। पीएम मोदी ने मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहली से इस बारे में बात की। खास बात यह है कि शनिवार को मालदीव के नए राष्ट्रपति ने पद संभालने के बाद कहा था कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से चीन ऋणाताओं के साथ बुनियादी ढांचे में उछाल के बाद देश को वित्तीय कठिनाई हो रही है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर महागठबंधन और विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों का प्रस्तावित महागठबंधन प्रतिद्वंदियों का गठजोड़ है जो देश को नहीं चला सकता। अरुण जेटली ने वार्षिक इकोनॉमिक्स टाइम्स पुरस्कार समारोह में एक कहा कि देश ने पहले भी इस तरह के तजुर्बे के लिए भारी कीमत चुकाई, इसलिए अब जनता को एक ही पार्टी की सरकार चाहिए।
वित्त मंत्री ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि आज जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अतीत की तुलना में शायद सर्वाधिक विनाशकारी है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या प्रतिद्वंदियों का गठबंधन चला सकता है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया है कि उनके एक सर्वेक्षण के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 297 से 303 सीटें जीतेगा। इस सर्वेक्षण के लिए देश भर में 5.4 लाख से अधिक लोगों की प्रतिक्रिया ली गई। पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने 2013 में भी इसी तरह का सर्वे कराया था और 2014 में भाजपा को पूर्ण बहुमत का अनुमान लगाया था जो सही साबित हुआ। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम पर जमकर हमला किया। शनिवार को सरगुजा में रैली के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी किसी भी मंच पर आकर मुझसे 15 मिनट राफेल पर बहस करें। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी किसी भी प्रदेश में 15 मिनट मेरे साथ खड़े हो जाएं, वो 15 मिनट मुझे बोलने दें और फिर उतनी ही देर वो बोले। इनेलो में परिवार की लड़ाई का शनिवार को अंत हो गया। अजय चौटाला जींद में नई पार्टी बनाने का ऐलान किया और नई पार्टी की कामना दुष्यंत चौटाला के हाथ में देने की बात कही। जींद की धरती से अजय चौटाला ने यह साफ कर दिया कि अब हर हाल में नई पार्टी का गठन होगा और इनेलो उन्होंने अपने भाई को गिफ्ट कर दिया है, लेकिन नई पार्टी का नाम ओपी चौटाला से मिलने के बाद साफ होगा। अजय चौटाला ने कहा कार्यकर्ताओं को अगर किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो उसे दूर करने का काम करेंगे और दुष्यंत चौटाला को उन्होंने जनता को दे दिया है। जनता के सामने नई पार्टी के गठित का ऐलान करने वाले अजय चौटाला ने अभय चौटाला पर भी जमकर निशाना साधा। जिनकी धरती से सिर्फ अजय चौटाला ही नहीं बल्कि उनके दोनों बेटों ने भी हुंकार भरी और ये कहा कि वो अपने पिता के फैसले के साथ हैं। दुष्यंत ने कहा संघर्ष के जरिए ओपी चौटाला को इस मंच पर लाएंगे। दुष्यंत ने जनता के सामने ये भी कहा कि जिस पार्टी ने बाहर निकाला उसमें जाने का दिल नहीं करता। दुष्यंत के छोटे भाई और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने तो कहा कि वो लोकदल ही एक तरफ और रिजेक्टेड माल एक तरफ होंगे। चंडीगढ़ के जाट भवन में अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर वो गलती मान लेते तो हम उन्हें पार्टी में वापस ले लेते। वहीं दूसरी तरफ अभय चौटाला ने यह भी कहा कि जो लोग पार्टी पर दावा करने वाले थे उन्होंने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। नई पार्टी के ऐलान के बाद अब अभय चौटाला दोबारा से इनेलो को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने 1 दिसंबर से वो अधिकार यात्रा के जरिए जनता के बीच जाएंगे और इनेलो को मजबूत करेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जनक्रांति यात्रा को सफल बनाने के लिए भिवानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। पूर्व विधायक रणवीर महेंद्रा ने कहा कि 25 नवंबर को आयोजित होने वाली जनक्रांति यात्रा का पहला पड़ाव बरवाला में होगा। फतेहाबाद में पहुंचे राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने जन परिवाद की बैठक में जनता की सुनी शिकायतें। 21 शिकायतों में से उन्होंने 16 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया। मीडिया से बात करते हुए इनेलो में चल रहे घमासान पर कृष्ण बेदी ने कहा कि 2 साल ही इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इनेलो में फूट होगी। ये लड़ाई इनेलो सरकार में हुई लूटे हुए माल को लेकर है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बेदी ने कहा कि चैलेंज देने की बजाय वो कुरुक्षेत्र के गांव कृष्ण नगर गांव मंडी के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आएं और देखें ये केंद्र पूरे भारत में प्रथम रहा है। भिवानी में TITS के 75 साल पूरे होने पर हीरक जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जिसमें विश्व भर से इंजीनियरिंग एल्यूमिनी हिस्सा लेंगे और TITS के निदेशक DGK त्यागी शनिवार को ये जानकारी लेंगे। बल्लभगढ़ में डॉक्टर मानसिंह के नेतृत्व में आज मसालों के सैंपल लिए गए। लोकमान सिंह ने कहा कि मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसी प्रक्रिया में उन्होंने जनरल स्टोर से मिर्च पाउडर और मसाले धनिया आदि के सैंपल लिए। उन्होंने कहा कि काम सैंपल भर जांच के लिए भेजना होता है और जो भी रिपोर्ट आती है उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होती है।
छज्जर के गांव बादली क्षेत्र के किसानों ने प्रधानमंत्री रैली बहिष्कार किया और साथ ही केएमपी के साथ लगते 3 जिलों के 22 गांवों के किसानों ने सभा कर पीएम की रैली के खिलाफ विरोध जताने का फैसला लिया है। किसानों ने कहा कि भाजपा के राजनीतिक बहिष्कार के बाद जमीनी स्तर पर काले झंडे के साथ उद्घाटन वाले दिन विरोध होगा। फतेहाबाद में एडवोकेट को फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एडवोकेट की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एडवोकेट अशोक कुमार कैवासारा ने बताया कि उसके फोन पर कॉल करके अज्ञात व्यक्ति ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। कॉल पर कहा गया कि मेरे कहने पर नहीं चला या मेरे साथ पूजा नहीं की तो तुझे भी मार डालूंगा। चंडीगढ़ सचिवालय में एचसीएस अधिकारी के कलसन और भवानी खेड़ा के विधायक विश्वंभर वाल्मीकि के बीच हुए विवाद पर विधायक ने कहा कि कुछ अधिकारी सुनियोजित तरीके के तहत सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक विश्वंभर ने कहा कि सरकार की पकड़ तो मजबूत है पर ऐसे अधिकारी सरकार की छवि को खराब करने पर तुले हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी की तरफ से उन्हें धमकी भी दी गई है। कैथल के ढांड इलाके के गांव बंदराना में कैंसर का प्रकोप छाया हुआ है। पिछले 4 साल में गांव से करीब 2 दर्जन लोग कैंसर से मर चुके हैं और करीबन 35 लोग कैंसर की चपेट में हैं। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग से मिलकर कैंसर के बढ़ने के कारण का पता लगाने की मांग कर चुकी है लेकिन स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीणों की कोई चिंता नहीं। चरखीदादरी में बीती रात एक्सिस बैंक के एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया। चोर एटीएम को गाड़ी से बांध कर ले गए। एटीएम मशीन में रखे रुपए से भरी मशीन के नीचे का हिस्सा गायब हो गया है। वहीं चोरों ने इस घटना को ताला तोड़कर अंजाम दिया। चोरों ने कैमरे शीशों को भी तोड़ दिया और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पलवल पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस ने 9 महीने पहले हुए इंसानियत को शर्मसार करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस को आरोपी को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं आरोपी को अदालत ने भी भगोड़ा करार दिया हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। झज्जर में अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत होगी। इन हादसों में मृतकों में से किसी की भी पहचान नहीं हो पाई है जबकि पुलिस ने 3 शवों को अपने कब्जे में लेकर झज्जर नागरिक अस्पताल पहुंचाया है जहां 72 घंटों तक शवों की पहचान के लिए रखा जाएगा। शवों की शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के पास साइबर सिटी गुरुग्राम में एक प्राइवेट एयरलाइंस की महिला कर्मी ने गेस्ट हाउस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना शुक्रवार सुबह की है। एयरलाइंस की महिला कर्मी गेस्ट हाउस में 12 नवंबर से ठहरी हुई थी। मृतका की पहचान 35 वर्षीय मौसमी गौतम के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतका के परिवार वालों को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बल्लभगढ़ के सिही में एक पति ने अपनी ही पत्नी को हर रोज के कहासुनी के चलते मौत के घाट उतार दिया और शव को बेड के नीचे रखकर फरार हो गया। पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नाहन में आज से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले का शुभारंभ होगा जिसका शुभारंभ सीएम जयराम ठाकुर करेंगे। सीएम 2 दिवसीय दौरे पर आज से सिरमौर में है। वे सुबह ही सिरमौर पहुंच चुके हैं और रेणुका जी में दोपहर 1 बजे रेणुका मेले का उद्घाटन करेंगे। रेणुका जी में सीएम भगवान परशुराम की पालिका को कंधा देकर शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद सीएम भगवान परशुराम और माता श्री रेणुका जी के मंदिर में जाकर माथा टेकेंगे और शाम को मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में भाग लेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और सह प्रभारी आज से हिमाचल दौरे पर रहेंगे और इसी कड़ी में पाटिल और कांग्रेस 18 नवंबर को साय 7 बजे सुंदरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी फीडबैक लेंगे।
पाटिल 19 नवंबर को सुबह जिला मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत गुटकर में कार्यकर्ताओं के एक दिवसीय अधिवेशन को संबोधित करेंगी। 20 नवंबर को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से संबंधित कार्यकर्ताओं के एक दिवसीय अधिवेशन को ऊना में संबोधित करेंगी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। दो दिवसीय दौरे के दौरान दोनों कांग्रेस पार्टी कई बड़े नेता पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। शिमला की माल रोड पर स्पा के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने बड़ा भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 6 युवती समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई युवती में एक थाईलैंड, 3 मणिपुर और 2 दिल्ली की रहने वाली है और साथ ही 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पौंडा साहिब के आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबेया में अंडर 19 छात्र छात्राओं के सांस्कृतिक टूर्नामेंट 2018 का समापन हो गया है। अंतिम दिन विधायक सुखराम चौधरी ने कार्यक्रम में शिरकत की और छात्र और अध्यापकों को बधाई दी। मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के भद्रौता में आयोजित जनमंच को आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने संबोधित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने लोगों की जन समस्याएं भी सुनी। एक युवक मोमो खरीदने के लिए मंडी शहर के ब्लूज कैफे में पहुंचा था, लेकिन मौके का फायदा उठाकर यहां से मोबाइल फोन चुराकर खिसक गया। घटना 15 नवंबर शाम करीब 5:15 बजे की। चोरी की पूरी वारदात वहीं लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल इस मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है और पुलिस का कहना है कि युवक की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। आज उत्तराखंड में निकाय चुनाव में मेयर और पार्षद पद के लिए वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पोलिंग बूथ पर वोटरों ने वोट डाले हैं। हल्द्वानी जिले में 3,01,617 मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। नैनीताल जिले को 12 सेक्टर और 38 जोन में बांटा गया और 366 मतदान स्थल बनाए गए। हर बूथ पर 5 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। वहीं जिले में 127 संवेदनशील और 172 बूथ हैं और वहीं वोटरों में स्थानीय मुद्दों को लेकर स्थानीय सरकार चुनने के लिए काफी उत्साह है। हल्द्वानी नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी जोगेंद्र रुतेला और कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हरदेश के बीच कड़ी टक्कर है। आज उत्तराखंड में निकाय चुनाव में मेयर और पार्षद पद के लिए वोटिंग जारी है। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। उत्तराखंड के और शहरों में भी इस समय मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं और 20 तारीख को नतीजा घोषित किया जाएगा। देहरादून में मतदाताओं में नाराजगी देखी जा रही है, जो 40 साल से लगातार अपने मत का अधिकार करते रहे। इस बार निकाय चुनाव में उनका नाम ना आने पर, उनके परिवार के नाम ना आने पर बड़े घोटाले को दर्शा रहे हैं। महानगर मुरादाबाद में जहां एक ओर जगह जगह पुलिस की ओर से हर चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कमल संदेश रैली में कार्यकर्ताओं ने यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। रैली में 5,000 से ज्यादा बाइक्स पर बैठकर कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया और वे बिना हेलमेट के दिखाई दिए और साथ ही यातायात का जमकर मजाक उड़ाया। आगरा रोड स्थित हिरनैर में एक लकड़ी की टॉल में आग लग गई है और आग के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फैजाबाद में साकेत महाविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आलोक सिंह पेट्रोल पंप के एक सेल्समैन के साथ मारपीट की और आरोप है कि पूर्व अध्यक्ष ने कैबिन में घुसकर 22,000 रुपए भी लूट लिए। मारपीट का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसमें मारपीट साफ देखी जा सकती है। फिलहाल सेल्समैन ने कैद थाने में तहरीर दी। ये मामला थाना कैंट के वारसी पेट्रोल पंप कोटसराय का है।
देश की सबसे तेज चलने वाली अत्याधुनिक T18 ट्रेन अपने ट्रायल के लिए पहुंच गई है और ये ट्रायल रविवार को मुरादाबाद से सहारनपुर तक होने वाला है। ट्रायल के लिए RDSO की टीम मुरादाबाद पहुंच गई है। तमाम तकनीकी प्रशिक्षण के बाद ट्रेन को ट्रैक पर उतारा जाएगा। जैसे ट्रेन को मौका मिला, इन इंजन के तहत बनाया गया है। ट्रेन को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा। T18 फिलहाल रेलवे के शोध संस्थान RDSO के अधीन है और RDSO के अधिकारी ही आधुनिक मशीनों व तकनीक के माध्यम से इस गाड़ी का प्रशिक्षण करेंगे। मिर्जापुर में धान की सरकारी खरीद के शुरू होने के 15 दिन बाद भी पूरी तरह खरीद शुरू नहीं हो पाई। मिर्जापुर में धान की खरीद के लिए 52 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक क्रय केंद्रों की व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं है। धान की खरीद शुरू न होने से किसान परेशान हो रहे हैं। विभाग के अधिकारी इसका कारण कर्मचारियों और प्राइवेट मिलकर हड़ताल पर डालते नजर आए। मेरठ में रालोद से पूर्व विधायक के भांजे की दबंगई देखने को मिली। यहां शराब के नशे में चूर पूर्व विधायक के भांजे की होटल स्टाफ से मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। हालांकि इस दौरान होटल का स्टाफ अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। गोलीकांड की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। यूपी के गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अब इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद के कविनगर में 3 युवकों ने एक युवक की गाड़ी रोककर जमकर पिटाई की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया, जबकि एक युवक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। गाजियाबाद के इंदूरापुरम में एक जूता कारोबारी की दुकान में घुसकर बदमाशों ने मारपीट की, जिसका सीसीटीवी सामने आया। दरअसल ये मामला कुछ महीने पहले का है। व्यापारी ने आरोप लगाया है कि सीसीटीवी फुटेज देने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं अब पुलिस के आला अधिकारियों को सीसीटीवी दोबारा से सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण इटली में शादी करने के बाद मुंबई पहुंच गए हैं। माथे पर गहरे लाल रंग के सिंदूर लगाए खूबसूरत दिख रही दीपिका अपने पति रणवीर का हाथ पकड़े अपने फैंस के सामने आई। शादी के बाद दीपिका पहली बार ससुराल पहुंची और रणवीर के साथ मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान दोनों मैचिंग कलर की आउटफिट्स में नजर आए। दीपिका यहां गोल्डन रंग के सूट और लाल दुपट्टे में दिखी, जबकि रणवीर ने कुर्ते पजामे के साथ पिंक रंग की कोटी पहनी। दोनों मैचिंग गोल्स में स्कोर हुए। बॉलीवुड में वेडिंग सीजन शुरू हो गया है। दीपवीर की शादी के बाद दिसंबर में एक और शाही वेडिंग होने वाली है। प्रियंका निक की जोधपुर के उम्मेद भवन में शादी होगी। गुरुवार को एक्ट्रेस की मां मधु चोपड़ा जोधपुर गई थी। सूत्रों के मुताबिक मधु ने वहां इवेंट ऑर्गेनाइज कर होटल की डिजाइनर से मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने उम्मेद भवन और मेहरानगढ़ किले में रही तैयारियों का मुआयना किया। बॉलीवुड के एक्शन स्टार अक्षय कुमार की अगली आने वाली फिल्म साउथ सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत के साथ 2.0 में दिखाई देंगे। हालांकि वो किसी लीड एक्टर के तौर पर नहीं है, बल्कि उनका किरदार नेगेटिव होगा। इस फिल्म का पोस्टर टीजर और ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें अक्षय कुमार का लुक काफी डरावना और भयानक है। ज्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि इसे ग्राफिक्स के जरिए तैयार किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्षय कुमार का एक लुक तैयार करने में कई टेक्नोलॉजी के अलावा घंटों मेहनत करनी पड़ी। अक्षय कुमार का नेगेटिव किरदार काफी डरावना बनाया गया है। वो एक झील के रूप में दिखाई देंगे।